क्लेफ्ट लिप और पैलेट यानी कटे हुए होंठ और तालू हमारे समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है। मैं डॉक्टर सुधांशु त्रिपाठी इस वीडियो के माध्यम से इस बीमारी के बारे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आप सब सोच रहे होंगे कि इस विषय पर चर्चा क्यों होनी चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बीमारी बच्चों के फेस यानी चेहरे की सबसे कॉमन कंजेनाइटल यानी जन्म से होने वाली बीमारी है। भारत में औसतन 700 से 800 बच्चों में से हर एक बच्चा इस बीमारी से पीड़ित है। लड़कों में क्लेफ्ट लिप यानी कटे हुए होंठ और लड़कियों में क्लेफ्ट पैलेट यानी कटा हुआ तालू बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। दूसरा सवाल जो पेरेंट्स डॉक्टर से पूछते हैं कि ये बीमारी आखिर बच्चों में क्यों होती है, तो इस बीमारी के बच्चों में होने के दो कारण हैं, एक एनवायरमेंटल और दूसरा जेनेटिक्स। अगर हम एनवायरमेंटल कारण की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली उन फीमेल्स में होता है जो कि प्रेगनेंसी या उसके पहले अल्कोहल का सेवन करती हैं या फिर स्मोकिंग या तंबाकू किसी भी फॉर्म में लेती हैं। बहुत सारे ड्रग्स भी इसके कारण हो सकते हैं, जैसे कि फेनेटोइन, स्टेरॉइड्स, मेथोट्रेक्सेट। प्रेगनेंसी में कुछ दवाएं ना लेने पर भी ये डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे कि मल्टीविटामिन, विटामिन B12, फोलिक एसिड या जिंक, जिसका सेवन प्रेगनेंसी के दौरान करना चाहिए। कुछ फीमेल्स जो कि खेतों में काम करती हैं वो जनरली पेस्टिसाइड से एक्सपोज होती हैं, वो भी एक कारण है इस बीमारी का। और कुछ औरतें जो कि 40 की उम्र के बाद प्रेग्नेंट होती हैं उनमें भी ये बीमारी साफ तौर पर दिखती है। दूसरा कारण जेनेटिक्स है, जिसमें माता पिता या उनके घर में उनके माता पिता कोई भी अगर इस बीमारी से पीड़ित है तो इसके लक्षण बच्चों में भी आते हैं। तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल जो कि हमारे समाज में एक करण थांगना या फिर अंधविश्वास का रूप ले चुका है कि ये बीमारी ग्रहण देखने या फिर ग्रहण के समय चाकू से कोई भी चीज़ काटने या फिर नज़र लगने से हो सकती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चीज़ साइंटिफिक बिल्कुल भी नहीं है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और सिर्फ अंधविश्वास है। और सबसे अहम सवाल कि क्लेफ्ट लिप और पैलेट कैसे होता है, इसके लिए आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि चेहरे का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो चेहरे का डेवलपमेंट प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने यानी रफली 4 से 12 हफ्ते के दौरान होता है। इस बीच जो होंठ यानी लिप जो है उसका डेवलपमेंट मीडियल नेजल और मैक्सिलरी प्रोसेस के जुड़ने से होता है। इन दोनों के जुड़ने में अगर कोई बाधा आ जाए या तो ये सीधे में ना जुड़ पाए तो फिर क्लेफ्ट लिप होता है। उसी तरह क्लेफ्ट पैलेट के लिए पार्ट्स ऑफ फ्रंटो नेजल प्रोसेस और मैक्सिलरी प्रोमिनेंस का जुड़ना ज़रूरी है। ये अगर किसी वजह से आपस में ना जुड़ पाए उससे क्लेफ्ट पैलेट होता है। अगला बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि इस बीमारी की रोकथाम यानी प्रिवेंशन कैसे की जाए और इसकी जानकारी हमें कैसे मिल सकती है, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए सबसे पहले प्रेगनेंसी में एनोमली स्कैन यानी कि प्रेगनेंसी के 18 से 20 हफ्ते के दौरान जो सोनोग्राफी की जाती है उसे एनोमली स्कैन बोलते हैं, उस पे पता चलता है कि बच्चे को क्लेफ्ट लिप या पैलेट है या नहीं। दूसरा सवाल कि इसकी रोकथाम या प्रिवेंशन कैसे किया जाए, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग, अल्कोहल का सेवन ना करने से ये बीमारी बहुत हद तक प्रिवेंट की जा सकती है। साथ ही कुछ दवाएं जैसे कि मल्टीविटामिन या जिस तरह से विटामिन B12, फोलिक एसिड और जिंक, इन दवाओं के सेवन से ये बीमारी नहीं होती। अगला सवाल जो कि पेरेंट्स डॉक्टर से बार बार पूछते हैं, क्या इस बीमारी का इलाज मुमकिन है, क्या ऑपरेशन के बाद हमारा बच्चा दूसरे बच्चे जैसे नॉर्मल होगा, क्या हमारे बच्चे की लाइफ दूसरे बच्चे जैसे नॉर्मल रहेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस ऑपरेशन के बाद इस बीमारी का इलाज 100% मुमकिन है, अगर बीमारी का इलाज यानी ऑपरेशन सही समय और सही टेक्निक से किया जाए तो यह ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल रहता है। इसके बाद इस ऑपरेशन के बाद आपका बच्चा 100% दूसरे बच्चे जैसा नॉर्मल रह सकता है और उसकी लाइफ भी दूसरे बच्चे जैसी नॉर्मल होती है। सातवां सबसे अहम सवाल कि इस बीमारी से पीड़ित बच्चों के साथ हमें क्या क्या एहतियात यानी कि प्रिकॉशंस लेने होते हैं, तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। पहला क्लेफ्ट लिप यानी कटे हुए होंठ और दूसरा क्लेफ्ट पैलेट यानी कटे हुए तालू। पहले क्लेफ्ट लिप, इस बीमारी से जुड़े 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है और दूसरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। कॉस्मेटिक प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि ये जो कटे हुए होंठ होते हैं ये दिखने में उतने अच्छे नहीं लगते, इसलिए इसका ऑपरेशन 3 से 6 महीने पर किया जाता है। अगर ऑपरेशन में किसी कारणवश डिले हो जाए तो जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से पीड़ित हो जाता है या तो उसको फेस करनी पड़ती है। दूसरी चीज़ क्लेफ्ट पैलेट, इसका ऑपरेशन 6 से 12 महीने के बीच किया जाता है। क्लेफ्ट पैलेट एक फंक्शनल प्रॉब्लम है यानी इस बीमारी से पीड़ित जो बच्चे होते हैं उनमें ऐसी प्रॉब्लम देखी गई है कि वो सही ढंग से खा पी नहीं पाते हैं,
इसके लिए उनका वजन नहीं बढ़ता है, और वजन नहीं बढ़ने से बच्चे में कान नाक के इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है, और अगर इस बीमारी का इलाज सही समय पे नहीं किया गया तो आगे चल के उन्हें बोलने में भी तकलीफ हो सकती है। इसके लिए बच्चे सही से खाएं पिए, इसके लिए हमें क्या करना रहता है, जो बच्चों की फीडिंग बॉटल होती है उसकी निप्पल का साइज बड़ा होना चाहिए और उसमें छेद थोड़े बड़े होने चाहिए, या फिर उनको कटोरी चम्मच से खाना दूध पिलाना चाहिए। दूसरी चीज, उनको थोड़े थोड़े समय पे फीडिंग्स करानी चाहिए, और हर फीडिंग के बाद बच्चे को कंधे पे लेके थोड़ी देर तक थपथपाना चाहिए ताकि उनके खाने के साथ साथ जो उनके पेट में एयर यानी गैस गई है वो बाहर आ सके। अगला सवाल कि इस बीमारी से पीड़ित बच्चों का इलाज कब और कहाँ कराना है। कब कराना है? क्लेफ्ट लिप का ऑपरेशन बच्चे जब 3 से 6 महीने की उम्र के रहें तब होना चाहिए, और क्लेफ्ट पैलेट यानी कटे हुए ताड़ों का ऑपरेशन जब बच्चे 6 से 12 महीने के रहें तब होना चाहिए। कहाँ कराना, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि क्लेफ्ट लिप और पैलेट का ऑपरेशन निःशुल्क यानी फ्री स्माइल ट्रेन प्रोजेक्ट के अंदर कई अस्पतालों और नर्सिंग होम में प्लास्टिक सर्जरी द्वारा किया जाता है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कई अस्पतालों में जिसपे भी ये प्रोजेक्ट है वहाँ पे पेशेंट के रहने खाने उनके ऑपरेशन के खर्च, ऑपरेशन के लिए सामान और ऑपरेशन के लिए किए जाने वाली कई सारी जाँचें सभी कुछ फ्री में होती। आखिरी सवाल, ऑपरेशन के पहले और बाद किन महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान हमें रखना है। ऑपरेशन के पहले बच्चे का जो वजन है वो उसकी उम्र के अनुपात में होना चाहिए। दूसरी, बच्चे का जो हीमोग्लोबिन है यानी खून खून की मात्रा वो 10 होनी चाहिए यानी 10 ग्राम्स पर डेसीलीटर। और तीसरा, ऑपरेशन के पहले बच्चे को सर्दी जुकाम या फिर बुखार नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन के बाद बच्चे का फॉलोअप उस जिस डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया उनके पास तथा ENT स्पेशलिस्ट, डेंटिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट के पास होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। क्लेफ्ट लिप और पैलेट से जुड़ी कोई भी अगर जानकारी आप पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो या तो इससे आपकी मदद हुई हो तो वीडियो लाइक करना ना भूलें, और ऐसे लोगों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें ऐसे वीडियो देखने की ज़रूरत है। आखिरी में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देख पाएं। अगली बार ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर फिर से चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।